अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिकंदर शेख और आप देख रहे हैं सोशल ऑनलाइन कॉर्नर। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से हमारी दरसी किताबें हमें ये तो बताती हैं कि आपने 17 साल की छोटी सी उम्र में फौजी जर्नैल का ओहदा संभाल कर सिंध पर हमला किया और बड़ी महारत से दैबल से लेकर मुल्तान तक का इलाका थोड़े से अरसे में ही फतह कर लिया। ताहम ये किताबें इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के बाद कहाँ गए थे। दिलचस्प बात तो ये है कि हमारे नौजवानों ने भी ये सवाल कभी नहीं उठाया। हालांकि फितरी सी बात है कि बंदे को ये तजस्सुस पसंद होता है कि आखिर में नौजवान जिसने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया, उसने बाकी की जिंदगी कैसे गुजारी। किसी मशहूर शख्स की पैदाइश का अहवाल मालूम ना हो तो इतनी हैरत की बात नहीं, लेकिन अगर किसी शख्स ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो तो उसकी मौत के हवाले से किताबों में कोई जिक्र ना मिलना यकीनन एक हैरत की बात है। पहली बात तो ये कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध की फतह के बाद ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहे। आप 17 वर्ष की उम्र में सिंध पर हमला करने निकले। 1300 साल पहले सिंध का इतलाक जिस इलाके पर होता था वो बहुत लंबा और चौड़ा था। मगरिब में मकरान तक, जनूब में बुहरा अरब और गुजरात तक, मशरिक में मौजूदा मालवे के वस्त और राजपूताना तक, शुमाल में मुल्तान से लेकर जनूबी पंजाब के अंदर तक वसीत था। इस तमाम इलाके को सिंध ही कहा जाता था। ये सिंध दो हिस्सों में तकसीम था। शुमाली सिंध पर दाहर के बड़े भाई धरतिया की हुकूमत थी, जबकि जनूबी सिंध पर राजा दाहर की। दोनों में इख्तलाफ तब हुआ जब दाहर ने अपने नजूमियों के कहने पर अपनी बहन लाडी से शादी कर ली। नजूमियों के मुताबिक लाडी बहुत खुश नसीब थी और जिससे इसकी शादी होती हुकूमत उसी के पास रहती। राजा दाहर के बड़े भाई धरतिया को ये बात बहुत नागवार गुजरी और वो एक बड़ी फौज के साथ राजा दाहर पर हमला आवर हो गया। इससे पहले कि दोनों भाइयों में जंग हुई, राजा धरतिया चीचक की बीमारी का शिकार हुआ और मारा गया। इस तरह राजा दाहर पूरे सिंध का हुक्मरान बन गया। ये मुल्क सिंध बहरी लुटेरों, चोरों, डाकुओं और सल्तनत इस्लामिया के बागियों के लिए एक महफूज पनाहगाह थी। एक मर्तबा श्रीलंका के हाकिम ने कुछ तोहफे तहाइफ इसकी खिदमत में अरसाल किए और इस जहाज में कुछ मुसलमान औरतें बैतुल्ला शरीफ की जियारत की गर्ज से भी सफर कर रही थीं, लेकिन दैबल के मकाम पर यह जहाज बहरी लुटेरों का निशाना बना और जहाज के तमाम मुसलमानों को बंदी बना लिया गया, सिवाय एक फर्द के। वो फरार होकर हज्जाज बिन यूसुफ की खिदमत में पहुंचा। इन दिनों मुसलमान इंदलस यानी स्पेन और तुर्किस्तान की फतुहात में मसरूफ थे, इसलिए हज्जाज बिन यूसुफ इस मामले को खतों किताबत से निपटाने की कोशिश की, लेकिन राजा दाहर के मनफी जवाब से इस हमले की नौबत पेश आई। इस हमले की सरपरस्ती के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को चुना। मुसलमान इस वक्त सुपर पावर की हैसियत रखते थे। रोम और फारस की अजीमुशान सल्तनत गरूरे खाक में मिला चुके थे। इनके जंगी हथियार और तोपों की तकनीकों का राजा दाहर की फौज के पास कोई जवाब न था, इसलिए दैबल जो मौजूदा कराची के आसपास कोई जगह है से लेकर मुल्तान के शहर यके बाद दीगरे फतह करते चले गए। लेकिन दोस्तों, इन फतूहात से बढ़कर मोहम्मद बिन कासिम ने जो कारनामा सर अंजाम दिया वो इलाकों की एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिसने फतह के अगले रोज ही ऐलान करवा दिया कि जो आदमी अपने मजहब पर कायम रहना चाहता है उसे अपने मजहबी तौर तरीके अपनाने की मुकम्मल आजादी है। इसके अलावा मंदिरों और चर्चों का सालाना वजीफा भी बैतुल माल से मुकर्रर किया। अवामुन नास में इतना मकबूल हो चुके थे कि लोगों ने उनकी याद में शहर के बीचों बीच एक मुजस्मा तैयार करवा दिया। अब शुरू होता है इस कहानी का स्याह हिस्सा। तकरीबन सारे मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की वफात 20 साल की उम्र में हुई। दूसरी बात ये कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत मैदान जंग में लड़ते हुए नहीं हुई थी और ना ही किसी बीमारी की वजह से। अगरचे मौरखीन मौत के हवाले से कोई मुत्तफिका फैसला नहीं देते, ताहम इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की अपने हाकिम की तरफ से दी गई सजा के नतीजे में वाकई हुई।
محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے دو بیانات ملتے ہیں، چچنامہ سندھ کی تاریخ پر بنی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ دہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت اور راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم سلمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ دہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ وہ محمد بن قاسم نے انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس بات پر یہ بہت ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کروا کر واپس لایا جائے۔ اس کے حکم پر عمل ہوا۔ تاہم بیل کی کھال میں دم گھٹنے سے راستے میں موت واقع ہوئی۔ بعد میں خلیفہ راجہ دہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ دوسرا بیان البغاری کی کتاب فتوح البالادان سے اقتباس ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج کی موت کے بعد اس کے بھائی سلیمان بن عبد المالک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے انان حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا، چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہو۔ ناظرین، ان دونوں ہی بیانات کے مطابق حاکم ہی اس عظیم جرنیل کی اذیت ناک موت کا سبب تھا، جس نے ایسے عظیم اسلامی سپوت کے خون سے ہاتھ رنگ کر ہماری تاریخ پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ارے، ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔